हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। हम ऑपरेशन देखेंगे रेशनल नंबर्स का कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा मैथ बुक का चैप्टर 5, हम पहले इसकी जान लेते हैं ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ऑपरेशंस मतलब होता है जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम चैप्टर का। हम इसमें चार तरह के ऑपरेशन पढ़ेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, जब हमारे हम एडिशन करते हैं व्हेन, जब रेशनल नंबर क्या हो सेम, वो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो सेम हो। तो हमने पहले क्या मान लिया, लेट हमने कर लिए दो रेशनल नंबर, एक हमारा पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन क्यू, जो कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम ऐड करेंगे पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज अपॉन आर। ये पी अपॉन पी प्लस आर, पी प्लस आर अपॉन क्यू हो जाएगा। फिर एल सी एम लेंगे q का, q टाइम्स q q वन वन, तो q आ गया हमारा एल सी एम, तो एल सी एम हमारा q आ गया, और इसे ऐसे क्या इसे प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ डिफरेंट न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डिफरेंट टाइप देखेंगे, ठीक है। एडिशन व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर जिसमें सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले एल सी एम लेंगे हम क्यू अपॉन एस एस क्यू अपॉन एस, तो क्यू टाइम्स का क्यू वन और एस का एस, एस से करा तो वन और एस का एस वन से, ठीक है। तो एल सी एम आ गया क्यू अपॉन एस इन टू, तो जब क्यू से हमने क्यू कट कर दिया तो पी मल्टीप्लाई एस आ गया, प्लस प्लस एस से एस कट हो गया, तो q अपॉन q मल्टीप्लाई s आ गया, r आ गया। ये होगा हमारा डिफरेंट में, जब हमारा न्यूमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है। और ये हमारा होगा सेम न्यूमिनेटर में, p प्लस q अपॉन r, वेरी सिंपल हो जाता है ये, और ये अलग होता है। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट में देखेंगे, जब सेम होगा, जब न्यूमिनेटर सेम थे तो ये आएगा, और जब न्यूमिनेटर डिफरेंट हैं केस सेकेंड में, तो यहाँ पर p मल्टीप्लाई एस माइनस आर मल्टीप्लाई क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई एस, ये हमारा फॉर्मूला होगा। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट होता है p मल्टीप्लाई आर क्यू मल्टीप्लाई आर क्यू मल्टीप्लाई क्यू। जैसे हम सेम हो या डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई ऊपर वाले का ऊपर के संग, नीचे वाले का नीचे संग, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर संग, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर संग। अब डिवाइड में एक कंडीशन आती है, जैसे हमारे पास एक रेशनल नंबर q अपॉन p, हम किसे डिवाइड कर रहे हैं r से, तो बाई की जगह पहले तो हम डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड के बाद हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए वन अपॉन आर कर देंगे। जैसे हमारे पास कोई डिजिट रेशनल नंबर टू अपॉन फाइव डिवाइड बाय टू, टू से डिवाइड करना है हमें ये, तो पहले लिखेंगे टू अपॉन फाइव डिवाइड टू, और डिवाइड को हटाने के लिए टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाई साइन लाएंगे, वन अपॉन टू लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई करना आता ही हमें, तो टू वन जा टू और टू फाइव जा टेन, तो अब जो हो गया वन अपॉन फाइव। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। देखो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर को ऐड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3/7 एंड 6/-6/7। तो पहले हम 3/7 को ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है इसका, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो डिनोमिनेटर सेम है जब क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस क्यू दे रखा है। देखो पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन आर अपॉन क्यू, ठीक है। तो देखो इसका हो गया पी प्लस आर अपॉन क्यू, तो देखो वेरी सिंपल 3/7 प्लस माइनस 6/7, ठीक है। तो पी की पी लिख दिया 3 प्लस माइनस 6/7, ठीक है। जब हमने ब्रैकेट खोला तो -6/7 और ये आ गया -3/7। ओके, अब देख ऐसे क्वेश्चन सेकंड है, इसमें 4 और ये भी 4 है इसका सेकंड पार्ट, तो देखो 13/4 प्लस 7/4 -13, तो एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ गया, क्यू की जगह 4 आ गया, तो 13 -13 प्लस 7, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है, तो
सेवन में से 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 5 माइनस के 5/4। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हम इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ऐड द फॉलोइंग रिलेशन, हमें इसमें भी ऐड करना है रिलेशनल नंबर्स को, देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। बस में डिफरेंट न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसमें डिफरेंट न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलो हम फॉर्मूले से करते हैं पहले। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एस प्लस आर इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू एस। तो ये रहा क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस। ठीक है, तो पी पी की जगह पी रखा हमने, पी की जगह -2 इंटू एस कितना है हमारे पास 7 प्लस, फिर क्या आर, आर की जगह 2 और क्यू कितना है 1 अपॉन क्यू कितना है 7, सॉरी क्यू 1 और एस 7। तो सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -14 +2 अपॉन 7, तो -12 अपॉन 7 आ गया। ओके ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, तो पी की जगह पी रखना, क्यू की जगह क्यू रखना। फॉर्मूला क्या था, पी इंटू एस -+ क्यू सॉरी आर इंटू आर इंटू क्यू अपॉन क्यू इंटू एस। अब वैल्यू रख देनी है इसमें। ओके क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है ऐड, क्या करना है हमें कि क्वेश्चन नंबर थ्री में ऐड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे ऐड। -9/24 प्लस ब्रैकेट में 1/18। तो देखेंगे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -9/24 -1/18। अब इन दोनों को पहले एलसीएम लेंगे, या अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर हम एलसीएम लेके करेंगे। यहाँ पे 24/18, 2 से किया 12 टाइम्स 9 टाइम्स, 2 से 6 टाइम 9 टाइम्स का 9 टाइम 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3, 3 3 या 9, 3 से 1/1। अब देखेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 48, नहीं 8 3 24, 24 3 जा 3 12 72। एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम कितना आ गया 72, एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 72। अब हमें 70, हम इसे इस तरह से नहीं कर रहे एलसीएम वगैरह निकाले, अपने फॉर्मूले में लगाते हैं हम डायरेक्ट। तो क्यू मल्टीप्लाई 18 -9 इंटू 18 -1/24। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके सॉल्व कर लेना। अब चौथा क्वेश्चन है, इवॉल्यूट करना है हमें, वही है इवॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन करना। तो देखेंगे पहला क्या क्वेश्चन है, -8 8 अपॉन -5 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो -k 4/3 प्लस 1/3। अब इसमें हमें एलसीएम लेना जरूरी, क्योंकि तीन वाले आ गए, ये 8 अपॉन 5 3 3, तो 5 से 1 टाइम्स 3 का 3 सेम रहेगा, 3 से 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, तो 3 5 जा 15, तो 15 एलसीएम आ गया, 15 हमने एलसीएम ले लिया। अब 5 को 5 से हमने 15 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 मल्टीप्लाई 3 -4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 से 5 टाइम्स किया था 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। ओके तो 8/24 -20 +5 अपॉन 15, 24 और 5 29 प्लस प्लस के ऐड कर लिया और माइनस, तो ये आ गया 9/15। तो इसे और डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 3/5। ओके ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे इसके। एक्सरसाइज कंप्लीट, थैंक यू।